तो शिवानी कुमारी क्यों हुई भावुक और क्यों फूट फूट के रोई? जाने के टाइम एक लड़की अपने घर से जाती है तो कोई भी लड़की रोती है, मगर उनके रोने का कारण कुछ और ही था। कैसा, क्या हुआ, किस वजह से रो रही थी, तो चलिए मैं बताती हूँ। शिवानी बिग बॉस के लिए जब चुनी गई तो पूरा गांव जहाँ पे खुशी के आंसू रो रहा था, मतलब खुशी की वजह से रो रही थी, हमारे गांव का नाम रोशन करेगी, वहीं पे शिवानी कुमारी देसी अंदाज में पूरे गांव का दिल जीती रहती है, हमेशा सबको अपने ब्लॉग में लेती है। ऐसा नहीं रहता कि ब्लॉग में सिर्फ वो खुद को दिखाए या फैमिली वाले को दिखाए। शिवानी कुमारी की वजह से उसके गांव में दो तीन लोग ब्लॉगर भी बन गए, फिर बाद में उससे दुश्मनी भी कर बैठे, जैसे उन लोग का नाम हुआ। वहीं पे शिवानी कुमारी के लिए सब बहुत दुआ भी कर रहे थे। वहीं पे उनकी जो मामी है फूट फूट के रो रही थी, तो शिवानी कुमारी ने जब अपने घर पे अपने मामा जी का फोटो रखा था और एक बात बोली कि जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो कोई ने मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया सिवाय मेरे मामा के, क्योंकि मेरे मामा ही वो इंसान थे जिनको लगता था कि मैं वीडियो बना के कुछ गलत काम नहीं कर रही, अगर आज मेरे मामा होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते। तो ये तो देखो सच्चाई है कि अगर हम कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं ना, उंगली उठता है 10 की ये गलत चीज़ है, मगर बहुत कम ही लोग रहते हैं जो शुरू में सपोर्ट करते हैं। तो शिवानी कुमारी के आंखों में आंसू था अपनी अपने मामा को याद करके, वहीं पे उसको पूरे गांव वाले खुशी खुशी विदा किए। तो कौन कौन शिवानी कुमारी को विनर देखना चाहता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।